नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। बिहार विधानसभा चुनाव बेहद ही दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है। दूसरे चरण के लिए मतदान किया जा रहा है, साख सभी की दांव पर है, शायद नीतीश कुमार से भी ज्यादा पीएम नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए बिहार जीतना जरूरी है। शायद इसीलिए वो ऐसे वक्त में भी नीतीश कुमार का साथ कसकर पकड़े हुए हैं। मोदी जान रहे हैं कि जनता उनको तो पसंद कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार को फिर से चुनाव जिताने के लिए अपने साथ खड़े कर रही है। लेकिन क्योंकि नीतीश कुमार अपने आप में एक मजबूत राजनीतिज्ञ हैं, यही कारण है जो मनमुटाव के बाद भी पिछले कुछ साल में नीतीश के धोखे के बाद भी बीजेपी नीतीश का साथ निभा रही है। मोदी नीतीश के उस धोखे को नहीं भूले होंगे जब भोज पर बुलाकर पटना में न्योता को फेर दिया था और फिर लालू प्रसाद यादव से जाकर हाथ मिला लिया था। कई किस्से हैं जो बताते हैं कि नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी फूटी आंख नहीं सुहाते थे, लेकिन बात जब राजनीति की आती है, सत्ता की कुर्सी पर बैठने का लालच सब कुछ करने पर मजबूर कर देता है। अब जब नीतीश के धोखे ही बीजेपी को इतने ज्यादा हैं, फिर भी दोनों साथ हैं, तो फिर एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान उसे भुना भी पा रहे हैं। चिराग पासवान जहां एक तरफ खुद को मोदी का हनुमान बता रहे हैं, वहीं नीतीश पर तीखे हमले कर रहे हैं, जनता को 10 साल पहले का धोखा याद दिला रहे हैं। और भागलपुर में तो जेडीयू सांसद ने कह ही दिया कि बीजेपी कैडर जब नीतीश को सपोर्ट नहीं कर रहा है तो जेडीयू को भी बीजेपी कैंडिडेट को हराने के लिए काम करना चाहिए। लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि बैसाखी बीजेपी की और कुर्सी नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार के काम में बंदरबांट से बिहार की जनता त्रस्त लग रही है, कह रही है कि अब 15 साल हो गए, अब बिहार की जनता को बदलाव चाहिए। एक जो और पिक्चर बिहार चुनाव में दिख रही है वो है इन चुनावों से मोदी के साथ ही अमित शाह का गायब होना। और ऐसा नहीं है कि अमित शाह कहीं जा नहीं रहे हैं, बल्कि बिहार चुनाव के चलते 6 नवंबर को बंगाल में रैली करने जा रहे हैं। तो क्या अमित शाह के बिहार चुनाव में नीतीश के साथ से नाराजगी है? हालांकि मोदी तो ताबड़तोड़ रैलियां कर ही रहे हैं, नीतीश के साथ सख्ती से खड़े होने का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन यही भाव न बीजेपी और न ही जेडीयू में नीचे तक जा पा रहा है। कार्यकर्ताओं के बीच में इसे लेकर अनबन है ही। थोड़ा पीछे चलें तो साल 2002 में वाजपेयी सरकार के वक्त जब गुजरात में दंगे हो गए थे तो रामविलास पासवान की तरह नीतीश कुमार ने भी इस्तीफा नहीं दिया था। वजह शायद पटना में सीएम की गद्दी थी। हालांकि उस वक्त से साल 2005 के बिहार चुनाव के बीच में 3 साल का फासला था और फिर साल 2004 में जब केंद्र की सत्ता कांग्रेस के हाथ में चली गई तो नीतीश कुमार ने अपना नया जनाधार बनाना शुरू किया, क्योंकि गद्दी तो उन्हें सीएम की साल 2005 में ही चाहिए थी, जो कि उन्हें मिली भी। लेकिन साल 2007-08 में बीजेपी के अंदर खाने से नीतीश की तरफ से गठबंधन का अपहरण किए जाने की बात सामने आने लगी थी। नीतीश को परेशान करने के लक्ष्य के साथ नितिन नवीन और नीतीश सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह बिहार में नहीं बल्कि गुजरात में समय बिताने लगे थे। इसी दौरान नीतीश की तरफ से निकाली गई न्याय यात्रा में बीजेपी को साथ नहीं लिया गया। फिर जब साल 2009 में लोकसभा चुनाव के लिए लुधियाना में एनडीए के विशाल रैली का आयोजन था, इसमें लाल कृष्ण आडवाणी को पीएम उम्मीदवार घोषित किए जाने की योजना थी। नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित किया गया था। इधर नीतीश कुमार काफी संशय में थे। शुरू में शरद यादव को भेजने की योजना बनाई गई, लेकिन बीजेपी में दोस्त अरुण जेटली के कहने पर खुद गए। नीतीश ने जैसे ही मंच पर कदम रखा तो उधर से नरेंद्र मोदी ने आकर एनडीए के सहयोगी का हाथ हवा में लहरा दिया। नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी के साथ अपनी ये तस्वीर खटक रही थी, क्योंकि वो हर एक अखबार की हेडलाइन बन चुकी थी। फिर बात साल 2010 की, जब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने भी अपनी कमर कसनी शुरू कर दी थी। अक्टूबर में चुनाव थे, 12 जून को पटना में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का ऐलान किया गया और पटना की दीवारों को मोदी की तस्वीरों से पाट दिया गया। कोसी त्रासदी के लिए उस वक्त नरेंद्र मोदी ने 5 करोड़ रुपए का महादान किया था, लेकिन इस सब के दौरान नीतीश कुमार विकास यात्रा पर थे। लेकिन महादान से खुश लोगों ने बीजेपी नेताओं का आभार जताया, उसके बाद उन्हें रात्रि भोज के लिए भी निमंत्रण दिया गया, जिसके लिए बाकायदा निमंत्रण पत्र बांटे गए। लेकिन जब नीतीश अपने विकास यात्रा से लौटे तो ये सब तैयारियां देख गुस्से से लाल हो गए। मतलब जिस शख्स से वो दूरी बनाकर चल रहे थे, उनके ही चंदे पर बिहार में विज्ञापन लग रहे थे, जिसे नीतीश अपने अपमान की तरह लेने लगे थे। नीतीश कुमार ने संजय झा को बुलाया और सारे निमंत्रण वापस लेने का हुक्म सुना दिया। मोदी के इस दान से गुस्साए नीतीश ने विज्ञापन देने वाले का पता लगाया। पड़ताल में पता चला कि बीजेपी सांसद सीआर पाटिल ने विज्ञापन दिया और इस विज्ञापन से बीजेपी और जेडीयू के बीच में एक अलगाव आ गया।
फिर अगले ही दिन 13 जून 2010 को पटना के गांधी मैदान में बीजेपी की स्वाभिमान रैली का आयोजन था। यहां मोदी ने सीधे तौर पर तो नहीं लेकिन इशारों इशारों में बहुत कुछ कह दिया। नरेंद्र मोदी ने गांधी मैदान से हुंकार भरी, कहा आप लोग बिहार में उस खंडक से नहीं निकल पाए हैं जिसमें अब तक पड़े रहे हैं, गुजरात आएं और देखें हमने गुजरात को कितना समृद्ध बना दिया है। उधर नीतीश को विकास यात्रा पर जाना था लेकिन उनके साथ जाने वाले सुशील मोदी बीमार हो गए और नंद किशोर यादव किसी निजी काम पर निकल जाने की वजह से नीतीश के साथ नहीं जा सके। इस सब के बाद बात गोवा अधिवेशन की भी करनी जरूरी है। 9 जून 2013 को तमाम विरोध के बाद भी नरेंद्र मोदी प्रचार समिति के मुखिया बने जिससे नीतीश का और असहज हो जाना लाजमी था। अल्टीमेटम दिया गया कि बीजेपी दिसंबर के महीने तक पीएम कैंडिडेट की घोषणा करे। इंतजार नहीं कर पाए नीतीश कुमार ने एनडीए में शामिल जेडीयू को अलग कर लिया, यानी कि 17 साल पुरानी दोस्ती टूट गई। कुछ दिन अकेले चले नीतीश कुमार, फिर लालू प्रसाद यादव के साथ हो लिए। लालू के साथ आए तो साल 2014 में मोदी लहर भी दिखी और फिर साल 2015 में महागठबंधन ने जीत भी हासिल कर ली। लालू ने फिर से नीतीश कुमार को ही सीएम की गद्दी पर बैठा दिया लेकिन 18 महीने के बाद ही सरकार में दखलंदाजी, मिट्टी घोटाला और IRCTC घोटाले पर सुशील मोदी ने एक के बाद एक नीतीश के खिलाफ कई खुलासे कर डाले और नीतीश कुमार को आखिरकार यू टर्न लेना पड़ा। रातों रात बीजेपी के सपोर्ट से फिर वो सीएम बना दिए गए। अब साल 2020 में भी जब बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान जारी है तो बीजेपी समर्थक सवाल ये पूछ रहे हैं कि हर हाल में सीएम की कुर्सी के लिए नीतीश कुमार रिजर्व क्यों हैं? हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि 10 नवंबर को जब मतगणना होगी तो किसकी जीत होती है, क्या समीकरण बनता है, कौन किसके पाले में जाता है और कौन किसके साथ रहता है, क्योंकि नीतीश भले ही मोदी के साथ हैं लेकिन मोदी को वो कितना पसंद करते हैं ये बात किसी से भी छिपी नहीं है।